बहुत ज़्यादा अगर कंघी करते हैं तब भी ऋतुकाल में, तब भी बच्चों के बाल ज़्यादा झड़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो है ट्रीटमेंट पार्ट, मेन जो प्रॉब्लम जिसके लिए हम डिस्कस कर रहे थे, कैसे अप्रोच करनी चाहिए एक कलित्ते के पेशेंट में। पहले तो मैं ब्रीफ में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद के अनुसार हम एक गोली देके ऐसे नहीं कर सकते कि ये गोली लो आपके बाल झड़ने ठीक हो जाएंगे, ये गोली लो आपका इंद्रलुप्त ठीक हो जाएगा, ये गोली लो आपका दारुण ठीक हो जाएगा, यानी कि रूसी। पूरी हिस्ट्री लेनी चाहिए उसकी, क्योंकि कई रीजंस जो मैंने इतने बताए उनमें से कुछ भी हो सकता है, और कई चीज़ें और भी हमें पता लग सकती हैं जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। तो एक तो ये प्राइमरी डिजीज इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, किसी बीमारी के रिजल्ट में भी बाल झड़ सकते हैं। तो हेयर फॉल कैन बी मैनिफेस्टेड एज प्राइमरी डिजीज, एज एन इंडिपेंडेंट डिजीज, एज वेल एज सेकेंडरी टू अदर डिसऑर्डर, और कैन बी प्रेजेंट एज सिम्टम ऑफ मैनी डिजीजेस। इसकी बिकॉज ऑफ इट्स वेरिएबल एटियोपैथोजेनेसिस, क्योंकि अलग अलग तरह की संप्राप्ति है कि किसी बीमारी से हुआ है या अपने आप हुआ है या कोई और कारण है, हमें एक केयरफुली पेशेंट को डायग्नोज करना चाहिए और फिर उसका हमें ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। प्रॉपर हिस्ट्री शुड बी टेकन इंक्लूडिंग ऑल क्राइटेरिया लाइक पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री अलॉन्ग विद अदर जनरल एंड सिस्टेमिक एग्जामिनेशंस। स्कैल्प एंड बॉडी शुड बी केयरफुली एग्जामिन टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मेलिटी इन स्किन, कि कोई स्किन डिजीज तो नहीं है जिसकी वजह से उसके बाल झड़ रहे हैं। अब इसमें आता है उसमें कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए ट्रीटमेंट। निदान परिवर्जन सबसे पहले आयुर्वेद में वर्णित है हर एक बीमारी के उसमें, कि जिस कारण से ये हो रहा है, जिस हेतु से हो रहा है, पहले हमें वो हेतु निकालने चाहिए जो मैंने इतने काजेस बताए हैं, फिर हमें उस निदान का परिवर्जन करना चाहिए जिस वजह से हो रहा है। फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट ये है, ऑल द कॉजेटिव फैक्टर्स एंड रिस्क फैक्टर्स शुड बी एग्जामिन केयरफुली एंड मस्ट बी अवॉइडेड टू रिड्यूस द डिवेलपमेंट ऑफ डिजीज। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इंडिविजुअल ऑफ पित्त प्रकृति आर मोर प्रोन टू फॉलिंग ऑफ हेयर, दे शुड फॉलो डाइट एंड हैबिट एज मैंशन फॉर देम इन आयुर्वेदिक टेक्स्ट। और पित्त दोष जो बारिशों के सीजन में बढ़ जाता है और शरद ऋतु में कुपित होता है, ये जो 3 महीने हैं इनको, इसमें पेशेंट्स का हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो स्पेशली पित्त प्रकृति के लोग हैं या जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री है बाल्डनेस की, उनको इस सीज़न में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उनका पित्त कुपित ना हो, क्योंकि खालित्ते में पालित्ते में पित्त का बहुत बड़ा रोल है, उसको हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो इन लोगों को स्ट्रिक्टली एडवाइस करना चाहिए कि ये प्रॉपर रूटीन फॉलो करें, जो वर्षा ऋतुचर्या शरद ऋतुचर्या जो मेंशनड है उसके अकॉर्डिंगली अपना खान पान, आहार विहार, दिनचर्या सब कुछ करें ताकि उनका पित्त डिरेंज ना हो। वैसे तो सारी ही ऋतुचर्या फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि वात और कफ भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं बालों के झड़ने में और बालों की समस्याओं में। हमारे शरीर में कोई भी व्याधि एक दोष से नहीं होती है, पूरे तीनों दोषों को सब समान रूप से रहना चाहिए, यानी कि जो जिस जिस अनुपात में उनको होना चाहिए उसी अनुपात में उनको रहना चाहिए, न कम न ज़्यादा, संतुलन में रहेंगे। अब इसमें मैं ट्रीटमेंट्स में अब ऑप्शंस बताऊंगी क्या क्या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। एक ही केशराज तेल, इस पर स्टडी हुई हुई है जामनगर में, ये एक सिंगल तेल, इस पर कई पेशेंट पे स्टडी किया गया था, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इंद्रलुप्त में, खालित्ते में और दारुणक में, क्योंकि इसमें जो प्लांट्स हैं एक तो वो सिंगल सिंगल भी बालों के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। मैं एक एक प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। त्रिफला है इसमें फर्स्ट प्लांट, जो कि बालों के लिए वैसे ही अच्छा है, और एक मिनट में पिछली स्लाइड पे दोबारा आऊँगी, हाँ, और धतूरा है। धतूरे को अगर बालों में जूए पड़ जाती हैं तो उसके लिए इसका लेप लगाना एडवाइस किया गया है। डेंड्रफ के लिए भी काम करता है।
नीलगिरी इंडिगो, रेड इंडिगो, फिरा टेंटोरिया, ये भी कलर करने के लिए भी काम आती है आजकल, वैसे भी केश्य मानी जाती है। वट जटा, जो बरगद का पेड़ है उसकी रूट्स नीचे लटकती हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं कि जो बालों की तरह उनकी ग्रोथ होती है, तो इसीलिए ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। करंज, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ एक फॉर्मूला है। करंज, कपित और कशिश, इन तीनों का मिक्सचर बना के अगर हम लेप लगाते हैं तो ये खालित्य में, इंद्रलुप्त में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और नेक्स्ट है जायफल। जायफल को रगड़ने से बाल उत्पन्न होते हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है स्कैल्प की, इसलिए इच्छा विधि रस को कुछ लोग बालों सिर पे रब करते हैं तो उससे भी बाल आते हुए देखे गए हैं। गुंजा, ये भी बहुत तीक्ष्ण द्रव्य है और स्टिमुलेट करता है ब्लड सप्लाई उस एरिया की। चित्रक, इसका भी वही कारण है। अर्क, निर्गुंडी, वातशामक है। और वत्सनाक और जपाकुसुम तो बालों के लिए वैसे ही बहुत अच्छा माना जाता है। लोह, कशिश, कृष्ण तिल तेल और पानी। इस तरह से ये केशराज तेल को प्रॉपर शारंगर के अनुसार उस विधि से बनाया गया और काफ़ी पेशेंट्स पे इसकी स्टडी की गई, तो ऐसा पाया गया कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप इसको खुद भी इस तेल को बना सकते हैं और पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोगों में प्री मैच्योर एजिंग की वजह से भी बाल झड़ते हैं, उसमें हमें रसायन थेरेपी पे एम्फेसिस देना चाहिए। वयस्थापन ड्रग्स, आंवला बेस्ट वयस्थापक द्रव्य है और आंवला केशे भी है, तो उसको तो हमें देना ही चाहिए। और लोगों को अपने आप को जितने भी शिरो रोग के कारण हैं उनसे बचा के रखना चाहिए, ताकि क्योंकि शिरो रोग में ही हेयर फॉल खालित्य को चरम पे माना है, तो ताकि वो हमें ना हो। और उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए डस्ट से, स्मोक से, फॉग, कोल्ड वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। और किसी भी दिन में किसी भी टाइम नहीं सोना चाहिए और ना ही रात को जागना चाहिए। एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट और शॉर उनको डाइट में नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स बालों में नहीं यूज़ करने चाहिए। हीटिंग ट्रीटमेंट जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, स्पा थेरेपीज जैसे प्रेसिंग है, स्ट्रेटनिंग है, बहुत सारे और ट्रीटमेंट्स हैं जो बालों की लेडीज़ करवाती हैं, तो इनको या तो अवॉइड करना चाहिए, मिनिमल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हानिकारक है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग हीट जब बालों को लगती है तो पिक तो वैसे ही बालों के लिए हानिकारक है, तो वो बालों को नुकसान पहुंचाती है, उनकी जड़ें भी वीक हो जाती हैं। और इसके साथ साथ पेशेंट्स को बताना चाहिए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको फॉलो करना चाहिए अपने बालों के लिए, जो कि संहिताओं में बताया गया है, और ताकि आपके जो बाल हैं वो हेल्दी रह सके। इसमें से कुछ जो रूटीन है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे मूर्द तेल, सिर पर आपको तेल लगाना चाहिए। अलग अलग तरह के लेप भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, वो आपको लगाने चाहिए। और रेगुलरली सिर पे तेल लगाना चाहिए। आजकल लोग ऑयलिंग नहीं करते हैं ज़्यादा, इससे भी बाल झड़ने बंद होते हैं, गंजापन दूर होता है, बालों को काला, घना और लंबा बनाता है, उनकी जड़ों को मजबूत बनाता है और नरिशमेंट मिलती है हेयर फॉलिकल्स को और कॉर्टिक्स को भी, और फाइबर जो बालों का है उसको भी स्ट्रेंथ मिलती है। तिल तेल यूज़ कर सकते हैं हम रूटीन में, कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। नस्य एक बालों के लिए बहुत इफेक्टिव है। शिरो रोग जितने भी हैं हमारे ऊर्ध्वजत्रु के ऊपर के जितने रोग हैं उसके लिए नस्य बहुत इफेक्टिव है। नासा ही शिरो द्वारम ऐसा बोला गया है, तो इसलिए जो हम तेल नाक में डालते हैं यह बालों के लिए, फेस के लिए, आइज के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसलिए जितने भी हमारे हेयर प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स हैं या हेयर डिजीज, शिरो रोग के पेशेंट्स हैं या आई डिजीज के हैं, उनको हमें नस्य एडवाइस करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को डेली 2 ड्रॉप्स अनु तेल की हर साल बारिशों में, शरद ऋतु में और वसंत ऋतु में, जब आकाश साफ हो, बादल ना हो, अपने नाक में सुबह डालने चाहिए। इसके साथ साथ ये बहुत सारे जो मैंने दूसरे फायदे बताए उसके साथ ये बालों के गिरने को रोकता है और उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। ये जो है हमारे जितने भी स्रोतस हैं ऊर्ध्वजत्रुगर, उनको पोषण देता है और हेयर फॉलिकल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है और फॉलिंग को प्रिवेंट करता है।
इसको प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं, जो डेली आप दो ड्रॉप्स दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल सकते हैं। क्योंकि आप अगर पंचकर्मा प्रॉपर जो नस्य ट्रीटमेंट है अगर वो नहीं करवाने जा सकते, वो थोड़ा कॉस्टली भी हो जाएगा, तो आप डेली खुद घर पे ही प्रतिमर्श नस्य के तौर पे दो दो बूंद दोनों नॉस्ट्रल्स में डालेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिर है स्नान। आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि सिर और जो बाल हैं ये गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए और ना ही बहुत ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से आपको बाल धोने चाहिए। सिर पर गर्म पानी डालना मतलब अपने बालों की और आँखों की शक्ति को कम करना, तो इसलिए इसको इससे बचना चाहिए। और प्रॉपर हेयर वॉश हर हफ्ते में 2-3 बार हमें करना चाहिए। शैम्पूज और हेयर साबुन जो हम बालों के लिए यूज़ करते हैं वो माइल्ड होने चाहिए और केमिकल फ्री होने चाहिए। डिकॉक्शन यूज़ कर सकते हैं हम कुछ प्लांट्स की या इनसे बने हुए माइल्ड शैम्पू, जैसे कि हिना, भृंगराज, जटामांसी, शू प्लांट, चाइना रोज भी बोलते हैं जिसको, त्रिफला, घृत कुमारी, शिकाकाई, मोथा, ब्राह्मी, ये सब सिर धोने के काम आ सकते हैं। यष्टी मधु भी इसमें से एक है क्योंकि वो भी केशीय द्रव्य माना गया है। तो इनमें से कुछ भी हम अगर लें और उसको रात को भिगो दें, सुबह उसका पानी में डालें, तो हमें बाल बिल्कुल साफ लगेंगे। तो हफ्ते में एक बार हम शैम्पू करें और बाकी दिनों में हम ये चीज़ें करें तो उससे बाल बहुत अच्छे, सुंदर और घने हो जाएंगे। धूम्रपान एडवाइज्ड है आयुर्वेद में। ये इसमें स्मोकिंग वाला धूम्रपान नहीं है जो हम सिगरेट पीते हैं, नहीं, इसमें मेडिकेटेड धूम्रपान है। कुछ प्लांट्स मैंशनड है चरक में, उसमें गूगल का हम कर सकते हैं। ये जो है ये भी हमारे सिर के और जितने भी सेंसेस हैं हमारे उनको खोलता है, स्रोतोरोध को दूर करता है और इसलिए इससे भी बाल झड़ने जो है वो कम हो जाते हैं। और ऐसे ही श्योर कर्म एडवाइज्ड है जिसमें बालों को कटवाना चाहिए और प्रॉपर केयर स्कैल्प की और जो दाढ़ी वाले बाल हैं उनकी करनी चाहिए। आचार्य चरक ने कहा है कि हर एक व्यक्ति को शेविंग, बालों को कटवाना और नाखून को कटवाना हर 15 दिन बाद ये करना चाहिए। फिर है उष्णिषक। सिर पर लोग, कई लोग, कई जैसे राजस्थान वगैरह में ट्रेंड है पगड़ी बांधने का या टोपी डालते हैं कुछ लोग, इससे हम अपने बालों को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। एक्सेसिव जो कई बार तेज हवाएं चल रही होती हैं या गर्मी चल रही होती है, गर्मी है बहुत ज़्यादा या मिट्टी पड़ रही है, और इससे बेसिकली पर बचाने का पर्पस है बालों को, तो सिर को जो ढकना है जितने भी ये बैड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं इनसे हम बचा सकते हैं, तो बाल झड़ना उससे रुक सकता है। और ऐसे ही प्योरिफिकेशन प्रोसीजर जो है जिससे जिनके बाल बहुत झड़ते हैं उनके लिए विरेचन, वमन, वस्ती, रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं। जब वो दोष इन्वॉल्व, जैसे कफ है तो वमन, पित्त है तो विरेचन, वायु है तो वस्ती, और अगर रक्त दोष है, पित्त दोष ज़्यादा है तो रक्त मोक्षण जो है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कर सकते हैं। और जो मेन इन्वॉल्वमेंट है उसमें पित्त दोष की होती है, इसलिए विरेचन और रक्त मोक्षण ये कॉमनली इंडिकेट किए गए हैं फॉलिंग ऑफ हेयर में और बाल्डनेस में। फिर आता है मेडिकेटेड ऑयल्स जो हम शिरोभ्यंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें है नीली तेल, सुश्रुत ने एडवाइस किया है, सैरियक तेल, ये भी सुश्रुत ने एडवाइस किया है, महानील तेल, अष्टांग हृदय में वर्णित है, स्नोह आदि तेल चक्रदत्त ने एडवाइस किया है, चंदन आदि तेल चक्रदत्त ने एडवाइस किया है, यष्टि मधु, आमलकी, मिल्क और तेलपाक, इसको मिल्क मिला के अगर तेलपाक किया जाए तो ये भी बहुत अच्छा तेल है बालों के लिए। चंदन आदि तेल जो है इसका नस्य, इस पर भी एक स्टडी हुई है जामनगर में, अगर इसका हम नस्य दें तो ये भी खालित्य पालित्य में बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। फिर है कुछ लेप जो हमें लोकल सिर पे लगाने चाहिए बालों का झड़ना रोकने के लिए। मधु, आमलक और हनी, अष्टांग संग्रह में वर्णित है ये, इसको भी अगर हम सिर पे पेस्ट बना के लगाते हैं तो बहुत इफेक्टिव है ये। तिल, आंवला और शहद और तेल, इनका भी हम मिक्स करके एक पेस्ट बना के सिर पे लगा सकते हैं। ऐसे ही कपिकक्षु मूल और अक्ष तेल एक लोहे की कढ़ाई में डाल के ये ले सकते हैं। दुग्ध सफ़ेद कनेर जो है उसको दूध में मिला के उसको लगा सकते हैं। और कपाल करंज लेप, ये मैंने आपको बताया था, कंपिल्लक, करंज और कशीश, इसको अगर हम लगाते हैं तो बाल
नए बाल आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही भृंग पुष्पादि लेप भी बालों के लिए बहुत अच्छा है, और मंडूर भस्म, आमलकी, जटामांसी और फिर उसको त्रिफला क्वाथ से वॉश करना, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव हेयर वॉश है। और जपा पुष्प तो वैसे भी बालों के लिए बहुत अच्छा है, इनको हम अकेला भी लगा सकते हैं। ऐसे ही अयस्चूर्ण, त्रिफला और खट्टे लिक्विड जैसे कांजी वगैरह या पनीर का पानी भी मैं यूज़ करवाती हूँ पेशेंट्स को, तो ये भी बहुत अच्छा है बालों के लिए। और नस्य के लिए मेडिकेटेड ऑयल जो बताए गए हैं, अनुतेल उसमें एक वर्णित है, बृहत्यादि तेल, सहचरादि तेल का नस्य, निम्ब तेल, भृंगराज रस, मुलेठी और दूध। भृंगराज तेल का नस्य भी वर्णित है कुछ ग्रंथों में, ये सब इनमें से किसी का भी तेल हम नस्य दे सकते हैं। वैसे मैं अपनी प्रैक्टिस में बादाम के तेल का नस्य भी एडवाइस करती हूँ, गोघृत का नस्य भी एडवाइस करती हूँ, उससे भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चंदन बलाराक्षा तेल के नस्य पे तो एक स्टडी हुई हुई है। और बाकी और जो योग हैं या रसायन जो हम यूज़ कर सकते हैं जो चरक में वर्णित हैं, अगस्त्य हरित की यूज़ किया जा सकता है, कनकारिष्ट यूज़ किया जा सकता है, द्विपंचमूल घृत दे सकते हैं, आमलकी रसायन दे सकते हैं, नवायस लो दे सकते हैं, मंडूर भस्म दे सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और, एक टॉपिक इसी में इंक्लूडेड है, मैंने इसको अलग से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, स्रोतस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, क्योंकि कुछ स्रोतस की इसमें दुष्टि है हेयर फॉल में, जैसे श्वेतवय स्रोतस, अस्थिवय स्रोतस और रसवय स्रोतस इत्यादि। तो इसमें मैं उन्हीं के बारे में सिर्फ वर्णन करूँगी। रसवय स्रोतों का मूल है हृदय और दस धमनियाँ। मज्जावय स्रोतस में दुष्टि होती है इसमें, उनका मूल है बोन्स और ज्वाइंट्स यानी कि अस्थि और संधियाँ। ऐसे ही अस्थि वह स्रोतस का मूल है एडिपोज टिश्यू और जगन। तो इनका मूल श्वेत वह स्रोतों का है मेद धातु और हेयर फॉलिकल्स रोम को, इसलिए मैं श्वेत वह दृष्टि बता रही थी। और अस्थि धातु का मल माना जाता है हेयर्स को, और मज्जा धातु की उपधातु भी मानते हैं कुछ लोग बालों को, कुछ आचार्य। तो चक्रपाणि ने ये बताया है कि जो स्रोत हैं हमारे शरीर में, मूलमिति प्रभाव स्थानम, जो इनका मूल है वो उसको प्रभावित करता है, यानी कि जो मूल है वो मेन उसका एनाटॉमिकल साइट है उस स्रोत की, वहाँ से वो उसकी पैथोलॉजी भी वहीं से शुरू होनी है, उसकी प्रिंसिपल सीट डिजीज की भी वही है। तो रोमकूप, क्योंकि बाल जब बालों की प्रॉब्लम आए तो रोमकूप का डिरेंजमेंट कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आना निश्चित है, तो श्वेत वह स्रोतों की दृष्टि इसीलिए मानी गई है। और इनमें जितना भी काजेज हैं मॉर्बिडिटी के स्रोतों से में और उनकी मैनिफेस्टेशन है ये भी एक्सप्लेन की गई है। और ये जो चैनल ऑफ जो स्रोतस मैंने बताए हैं ये मेजर सीट है डिजीज की, जिसको हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए, स्रोतों वैगुण्य, स्रोतों वैबंध एक्सेट्रा कुछ है तो नहीं, ताकि हम बीमारी का सही डायग्नोसिस कर सकें। और इनके कुछ फंक्शंस मैं बताना चाहूँगी ब्रीफ में। आयुर्वेदिक आचार्यों ने बताया है कि पूरे लाइफ के प्रोसेस इन स्रोतस पे डिपेंड करते हैं। इनर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये बॉडी का, जो कि कई फैक्टर्स को, कई जो प्लेटफॉर्म पूरी एक्टिविटीज़ का, और जो बायो फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी में, त्रिदोष, सप्त धातु, ओज, अग्नि, थॉट और इमोशंस, ये सब इनसे कंट्रोल्ड हैं। और ये सिर्फ चैनल या पैसेज नहीं है अलग अलग सब्सटेंसेस के चलने के लिए, ये बहुत स्पेसिफिक है इनके फंक्शन में। हर एक स्रोत जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उस धातु को जिसमें वो जाता है, और सिर्फ ओनली विद रिक्विजिट क्वांटिटीज नॉट अदर्स, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना। और इनके फंक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोष्य धातु, ये भी इन्हीं में होती है, और ये न्यूट्रिएंट पार्ट को ट्रांसफ़र करते हैं धातु को भी और मल को भी। और ये एज स्ट्रक्चर थ्रू द पोर्स ऑफ इट, इनके थ्रू न्यूट्रिएंट और वेस्ट जो है वो मूवमेंट होती है उनकी, और सारे दोष धातु जो हैं स्रोतस पर डिपेंड है उनके फॉर्मेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और डिस्ट्रक्शन के लिए। तो ये बॉडी का इनर ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ।
ये मैक्रो और माइक्रो लेवल पे इनकी एक्सचेंज, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के इनके मेन फंक्शन है। और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट अगर इनकी देखी जाए मिला के, तो कई मटेरियल्स को, मॉलिक्यूल्स को, मैसेजेस को, इम्पल्सेस को, इमोशंस को और थॉट्स को स्रोतस मूव करते हैं एक जगह दूसरी जगह। स्थूल स्रोतस जो हैं उनके मूल इसलिए डिस्क्राइब किए गए हैं ताकि हमें उनकी पैथोलॉजी पता लग सके और क्लिनिकल मेडिसिन में हम उसको यूज़ कर सकें, ताकि हमें एक बीमारी का जड़ पता लगे। जैसे मैंने बालों के बारे में बताया, श्वेत व श्रुतदुष्टि होती है, उनका मूल क्या है, रोम को और मेधा धातु। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूड्स है, फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी फैक्टर्स है और नरिशमेंट ऑफ टिश्यूज है और बायो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकामेंट्स है, ये इनकी इंटीग्रिटी पे डिपेंड करता है। स्रोतस इसीलिए सबके ठीक ठाक काम करने चाहिए, क्योंकि स्रोतस जो है ये अंदर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के स्पेसिफिक हैं, उसके कैरियर सब्सटेंस के, कि स्पेसिफिक टू द कैरियर सब्सटेंस विच दे ट्रांसपोर्ट, इसको ले जाते हैं, उसी को ले जाएंगे। दिस कंसेंट ऑफ स्रोतम सी स्पोर्ट्स इवन द लेटेस्ट डिस्क्रिप्शन इन कंटेम्प्रेरी साइंस सच एज रिसेप्टर थ्योरी इन टर्म्स ऑफ देयर स्पेसिफिसिटी एंड मेम्ब्रेन बायोलॉजी। क्योंकि ये आज के परिपेक्ष में भी ये प्रूव हो चुका है कि जो चैनल जिसको ले जाता है वो उसी को ले जाएगा। ये की रोल प्ले करते हैं फिजियोलॉजी में और फार्माकोफिजियोलॉजी एट्सेट्रा में, तो इसलिए हमें इनके बारे में ज़रूर समझ लेना चाहिए ताकि हम बीमारी को ढंग से जान सकें। अब एक मैंने बीच में एक्सप्लेन नहीं किया, ये लीच थेरेपी भी बहुत ज़्यादा वर्णित है खालित्य के लिए, इंद्रलुप्त के लिए। जो हमारे सिर में एक्सेस पित्त होता है उसको निकालने के लिए लीच यानी कि जोंक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थेरेपी है। ये इससे क्या होता है, उस एरिया की कैपिलरीज प्रोमिनेंट हो जाती हैं और फिर वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं हेयर रूट्स को, और फिर से वो हेयर रूट्स दोबारा से उगनी शुरू हो जाती हैं और बाल आने शुरू हो जाते हैं। ये एक तो पिक्चर्स मैंने दिखाई हैं कैसे लीचेस लगाते हैं सिर पे और धीरे धीरे इंद्रलुप्त कुछ कम होता है। और अगर इसमें कृमि रोग एक कारण हो, उसके सिम्टम मिल रहे हैं अग्निवेशम में और बार बार वो पेशेंट मीठा खाता है एट्सेट्रा, तो फिर उसको बीच में कृमिघ्न औषध भी ऐड करनी चाहिए। विडंग दे सकते हैं हम, कृमि कुठार रस दे सकते हैं, और उसके बाद हमें विरेचन देना चाहिए या गुड़ में अजवाइन भी हम कृमि के लिए दे सकते हैं। डाइट्स फॉर हेयर प्रॉब्लम, आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अगर आप मेरे से इसके बारे में डाइट्स पूछें, तो देसी घी अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। आजकल रिफाइंड खाने का बहुत ट्रेंड है या लोग डाइट पे बहुत जाते हैं, जिम ज्वाइन करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, बट डाइट नहीं लेते उसके अकॉर्डिंगली। तो धीरे 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 बॉडी में एक हिडन हंगर जनरेट होती है और ऐसी वीकनेस आती है कि फिर वो उठने लायक नहीं रहते। योगा इसलिए बेटर एक्सरसाइज है। अगर आप जिम भी करते हैं तो एक तो मॉर्निंग में कीजिए, क्योंकि बॉडी है, कोई मशीन नहीं है कि आप किसी भी टाइम जिम जा रहे हैं और किसी भी टाइम आप खाना खा रहे हैं और जो वो कह रहे हैं वो खा रहे हैं, आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत है या नहीं है। फ्रूट्स आपकी डाइट में ज़रूर होने चाहिए, वेजिटेबल्स ज़रूर लीजिए, दालें ज़रूर खाइए, कोई जंक फूड नहीं खाने चाहिए आपको, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। 6 के 6 रस आपके आहार में होने चाहिए जो आयुर्वेद में वर्णित है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। लोग अक्सर क्या करते हैं, आजकल सिर्फ कटु और लवण रस का सेवन करते हैं, तिक्त रस डाइट में से निकल चुका है, मधुर रस भी और कई लोग खाते ही नहीं हैं। तो ये भी एक कारण है कि क्योंकि आप पित्त प्रवर्धक रस ही ले रहे हैं, तो ये भी इस वजह से भी बाल झड़ते हैं। कोई विरुद्ध आहार हमें नहीं लेना चाहिए और जो खाना अष्टविध आहार आयतन के अकॉर्डिंगली ही हमें लेना चाहिए, जैसा कि आयुर्वेद में वर्णित है 17 प्रकार के जो विरुद्ध आहार वर्णित हैं चरक में, वो हमें नहीं लेने चाहिए, मात्रा संयोग, काल संयोग एट्सेट्रा, क्योंकि उनसे दूषित वेस्ट जनरेट होता है बॉडी में, जिसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। वो में लोग पूछते हैं बीमारी मुझे क्यों हुई, उसका कारण आपने एक दिन में जनरेट नहीं किया, वो आपके कई सालों की मेहनत है, जो कई साल आपने विरुद्ध आहार किया, आपने
अलग अलग जंक फूड्स लिए, आपने बासी खाने खाए, आपने गलत दिनचर्या की, आप रात को जागे, आप दिन में सोए, तो इस सब का रिजल्ट है। तो ये एक गोली खाने से ठीक नहीं होगा, ये पूरी दिनचर्या, पूरा ऋतुचर्या, पूरा आहार, ये सब हमें ठीक करना होगा और जिस जो उसका मेन कारण है उसको रिमूव करना होगा, तभी हम इसको प्रॉपरली ट्रीट कर पाएंगे। मैं अपने इस कंक्लूजन में आ रही हूँ कि मेरी प्रैक्टिस में मैं कम से कम 1000 से पेशेंट तक इसकी ठीक कर चुकी हूँ। आप मेरे रिव्यूज़ देख सकते हैं गूगल पे, एज मेरा पेज है आयुर्वेदिक क्लिनिक, कुछ लोगों के काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं ये, क्योंकि मैं उनको जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है, बालों के ही नहीं बाकी बीमारियों के लिए भी, आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली कंप्लीट लाइफस्टाइल में उनको एडवाइस करती हूँ, डाइटरी एडवाइस देती हूँ, डिजीज के अकॉर्डिंगली भी डाइट में सजेस्ट करती हूँ, जिसके बिना किसी भी बीमारी को ठीक करना मुश्किल है। इस तरह बालों को भी ठीक करना, बालों की समस्याओं को भी दूर करना असंभव है। तो रसायन यूजली सभी हेयर प्रॉब्लम्स में हम एडवाइस करते हैं, उसके साथ साथ मस्से एडवाइस करना ज़रूरी है। लोकल एप्लीकेशन ऑफ लेपास भी बहुत इफ़ेक्टिव है, मैं यूज़ करती हूँ अपने क्लिनिक में। ऑयल्स भी अलग अलग तरह के जो आते हैं, वहाँ भृंगराज तेल है या कई जो मैंने अभी वर्णित किए हैं, उनका भी बहुत अच्छा रोल है उसमें। जौंक का भी बहुत अच्छा रोल है और जितने भी नेचुरल शैम्पूज हैं वो बालों की समस्याओं को दूर करने में बहुत हेल्प करते हैं। रीठा वगैरह भी हम यूज़ करवा सकते हैं बालों को धोने के लिए। और एक चीज़ और जो इसमें मैं एडवाइस करना चाहूँगी, जो पलित्य जैसे हैं, ये पित्त ज़्यादा लेने से होता है, पित्तवर्धन से जल्दी होता है, या जिनको एजिंग प्रॉब्लम जल्दी हो, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, तो एक तो वो पित्त शामक आहार लें, चंदन बलाल आदि तेल का, बलाल अक्षादि तेल का नस्य लें, ये चंदन आदि तेल का भी नस्य ले सकते हैं, और फ्रूट्स ज़्यादा खाएँ, मिर्चें कम खाएँ, पित्त को शांत रखें और जिम की बजाय योगा और मेडिटेशन करें। आजकल ट्रेंड है कि हर व्यक्ति जिम ज्वाइन करता है, जबकि अगर आप मेरे से पूछें तो एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए योगा और मेडिटेशन आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में ज़्यादा इफेक्टिव हैं, वो हमें ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं और ऐसी ऐसी समस्याओं से हम लोग बच सकते हैं। तो वापस हमें अपने आयुर्वेद को अपनाना है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार सब कुछ अगर करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी। ये सब हमें पेशेंट्स को कन्वे करना है ताकि ये प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ये सब चीज़ें हेयर प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफ़ी हद तक सहायक हो सकती हैं। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में काफ़ी रिसर्च पेपर से भी रेफरेंस लिया है और जो मैंने जो जो कुछ लिखा है काफ़ी चीज़ों पर क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, उसके बाद ही ये रिसर्च पेपर्स हैं और उनसे मैंने मैटर लिया है। और हम यहाँ पर एक दूसरे से सीखने के लिए हैं। अगर कोई मेरे से कमी रह गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस मेरे से शेयर कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।